सर्दियों की एक ठिठरती शाम को एक बादशाह बड़े करवफर से अपने महल में दाखिल हो रहा था। बादशाह ने महल के सदर दरवाजे पर एक बूढ़े दरबान को देखा। वो एक पुरानी और बारीक वर्दी में पहरा दे रहा था। बादशाह ने उसके करीब अपनी सवारी को रुकवाया और उस ज़ईफ़ दरबान से पूछने लगा, बाबा आपको सर्दी तो नहीं लग रही? दरबान ने जवाब दिया, बहुत लगती है हजूर, मगर क्या करूं, मेरे पास कोई गर्म वर्दी है नहीं, इसलिए यह सर्दी बर्दाश्त करने पर मजबूर हूं। बादशाह ने उससे कहा, मैं अभी महल के अंदर जाकर तुम्हारे लिए कोई गर्म कपड़ों का जोड़ा भेजता हूं। बूढ़ा दरबान बहुत खुश हुआ और उसने बहुत तशक्कुर का इजहार किया, लेकिन बादशाह जैसे ही गर्म महल में दाखिल हुआ वो उस दरबान के साथ किया हुआ वादा भूल गया। अगली सुबह दरवाजे पर उस बूढ़े दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली और करीब ही मट्टी पर उसकी यख बस्ता उंगलियों से लिखी गई ये तहरीर भी मौजूद थी, बादशाह सलामत, मैं कई सालों से सर्दियों में इसी नाजुक वर्दी में दरबानी कर रहा था, मगर कल रात आपके गर्म लिबास के वादे ने मेरी जान निकाल दी। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। आज ही से अपनी ताकत के बलबूते पर जीना सीखिए। झूठे सहारों से किनारा कशी इख्तियार करें और खोखली उम्मीदों से दामन छुड़ा लें।